May 1st, 2024 रात के एग्जैक्ट 12 बजे अगर आप ईस्ट की दिशा में देखोगे तो जमीन से जस्ट ऊपर आपको बिना किसी टेलीस्कोप के ये स्कूटम कॉन्स्टिलेशन दिखाई देगा। You know, इस कॉन्स्टिलेशन की सबसे वियर्ड बात क्या है? Well, पिछले साल सितंबर के मंथ में जब ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च टीम रात के आसमान में कुछ रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रही थी, you know, ताकि रेडियो वेव्स एमिट करने वाले कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स जिसकी न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सार्स या उनके मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्गर सिबलिंग्स मैग्नेटार्स को वो डिटेक्ट कर सके, तो सरप्राइजिंगली उन्हें स्कूटम कॉन्स्टिलेशन की दिशा से एक ऐसा मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल आता हुआ दिखा जो किसी भी नोन ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा था। And you know what's worse? ये सिग्नल करीब 5 मिनटों तक continuously flash करता रहता और फिर अचानक से गायब होकर ठीक 22 मिनट्स के बाद वापस से लौट आता। अब इस रहस्यमय घटना के बाद जब इस सिग्नल की थोड़ी और जांच पड़ताल हुई तब ये पता चला कि ये सिग्नल असल में पिछले 35 years से हमें लगातार मिल रहा है and yet आज तक हम उसका एग्जैक्ट सोर्स नहीं जान पाए। हर बार कंप्यूटर स्क्रीन पर बस एक ही मैसेज पॉप होते रहता, मैच नॉट फाउंड। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई एलियन सभ्यता इस स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल के जरिए हमें अपनी लोकेशन बताने की कोशिश कर रही है, लाइक काइंड ऑफ सेइंग कि हे वी आर हियर। क्योंकि लगातार 35 years से एक ही सिग्नल का हर 22 मिनट्स के इंटरवल पर रिपीट होना ये मोस्टली सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर उसका सोर्स कोई अननेचुरल ऑब्जेक्ट हो। एक ऑर्डिनरी पल्सार या मैग्नेटार फॉर एग्जाम्पल धीरे धीरे अपनी एनर्जी को खो देते हैं और रेडियो सिग्नल्स भेजना बंद कर देते हैं एक पॉइंट के बाद। सो देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि मे बी इसका कोई अननेचुरल सोर्स हो, या तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिन्हें साइंटिस्ट अब तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं और उनसे ये रेडियो वेव्स एमिट हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली ये रेडियो सिग्नल्स क्या हो सकते हैं इस पर हमें अपने लेवल पर थोड़ी सी छानबीन करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें कहानी को एकदम शुरुआत से स्टार्ट करना होगा कि सबसे पहले ये डिस्कवर कैसे हुआ। अब सबसे पहले इस वियर्ड से रेडियो सिग्नल को एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ने अपने मामूली कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए खोजा था, नॉट फॉर अ सीरियस पर्पस। दरअसल इस सिग्नल की कहानी एक दूसरे सिग्नल की वजह से शुरू होती है जिसे साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के कर्टिन यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट टायरोन ओ डोहर्टी ने ढूंढा था। डोहर्टी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके तहत सदर्न स्काई के पुराने डेटा में से अननोन ब्लिंकिंग रेडियो सिग्नल्स को आइडेंटिफाई वो कर रहे थे। अब इसी प्रोजेक्ट के दौरान उन्हें 2018 के एक डेटा में से एक ऐसा रेडियो सिग्नल मिला जो किसी लाइट हाउस से आती बीम की तरह रेडियो सिग्नल्स की बीम पृथ्वी की ओर फेंक रहा। तो जब उन्होंने इस बीम के बारे में अपने मेंटोर रेडियो एस्ट्रोनॉमर नताशा हर्ली वॉकर को बताया तो उन्होंने खुद इस सिग्नल पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उस सिग्नल के लोकेशन को अलग अलग फ्रीक्वेंसी डेटा में देखा, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें वहां पर सिग्नल के बारे में कोई क्लूज नहीं मिले। बट देन उनकी नजर रेडियो डेटा में छुपे एक पैटर्न पर गई। उन्होंने ये देखा कि ये सिग्नल हर 18 मिनट में बार बार रिपीट हो रहा है एंड सो शी इमीडिएटली न्यू कि उनके करियर की एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी हो सकती है। बट यहां पर अनफॉर्चुनेटली इससे पहले वो उस ऑब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी कर पाती महज 3 महीने के अंदर ही वो सिग्नल अचानक से गायब हो गया और इस अनएक्सपेक्टेड डिसअपीयरेंस को देखकर वो और उनकी टीम और कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये ऑब्जेक्ट हो क्या सकता है। सो इसी का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने पूरे सदर्न हेमिस्फीयर को दोबारा से स्कैन किया कि बस एक क्लू मिल जाए, और कई महीनों तक इसके पीछे रिसर्च करने के बाद भी उन्हें एक क्लू नहीं मिला। एंड सो वो अपनी स्टडी बस बंद ही करने वाले थे कि तभी उन्हें एक ऐसा सिग्नल मिला जो 18 तो नहीं पर 22 मिनट्स के बाद वापस आ रहा था। एंड बिकॉज ऑफ इंडिया, यस इंडिया, ये स्टडी फिर से शुरू हो गई। अब हुआ यूं ना कि उस 18 मिनट वाले सिग्नल के मिस्टीरियसली गायब होने के बाद नताशा और उनकी टीम ने उसका सेंस बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोर्चिसन विंडफील्ड एरे रेडियो टेलीस्कोप से पूरे सदर्न स्काई की स्कैनिंग शुरू कर दी और तभी उन्हें सैजिटेरियस के पास मौजूद स्कूटम कॉन्स्टिलेशन में उसी के जैसा एक और सिग्नल मिला जो हर 22 मिनट्स बाद वापस से आते रहता। इसे उन्होंने नाम दिया J183910। पर अब यहां पर सवाल आता है कि क्या ये वो उस 18 मिनट वाले सिग्नल से कहीं पर भी रिलेटेड था, और बस यही जानने के लिए नताशा ने अगेन उस पूरे रीजन के पास्ट रेडियो डेटा को स्टडी किया। एक्चुअली इस सिग्नल को साल 1988 में इंडिया और अमेरिका के रेडियो टेलीस्कोप्स ने ऑलरेडी डिटेक्ट किया था, लेकिन उसके डिटेक्शन के बाद वो डेटा कहीं डेटा के पाइल में खो गया था। और फिर इस करंट स्टडी के दौरान जब इस डेटा को फिर से रिविजिट किया गया तब उन्हें पता चला कि ये सिग्नल असल में पिछले 35 years से हर 22 मिनट्स बाद कंटिन्यूअसली रिपीट होते जा रहा है। एंड
जब वो आता है तब पूरे 5 मिनट्स के लिए स्ट्रॉन्ग रेडियो बर्स्ट देता है। अब इंटरेस्टिंगली ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी, क्योंकि इन सिग्नल्स की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स अब ये जान सकते थे कि उन्हें हमारी ओर भेजने वाला वो अननोन सोर्स ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली हमसे कितना दूर है। एंड सो जब ये कैलकुलेशंस कंप्लीट हुए तब ये पता चला कि ये सोर्स पृथ्वी से करीब 15,000 light years दूर बसा हुआ है। यानी कि अब बस एक ही चीज जानना बाकी रह गया था कि ये हमसे 15,000 light years दूर बसा हुआ ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या है। सो इस खोज में सबसे पहले वॉकर और उनकी टीम ने इस मिस्टीरियस सिग्नल को जितने भी नोन ऑब्जेक्ट्स रेडियो सिग्नल्स एमिट करते हैं उनके साथ मैच करना शुरू किया। एंड सरप्राइजिंगली उन्हें पुराने डेटा और इस सिग्नल में सिमिलैरिटी दिखी। उस डेटा में कई ऐसे रेडियो सिग्नल्स थे जो बिल्कुल J183910 की ही तरह ब्लिंक कर रहे थे और वो ब्लिंकिंग पैटर्न कुछ समय बाद रिपीट हो रहा था। सो जब उन्होंने इन बाकी के सिमिलर सिग्नल्स के सोर्स पर रिसर्च किया तब उन्हें पता चला कि सभी पुराने सिग्नल्स न्यूट्रॉन स्टार्स की टिपिकल कैटेगरी पल्सार्स से एमिट हो रहे थे। अब फ्रेंड्स दिस इज इंटरेस्टिंग। होता यह है कि जब सूरज से 10 से 25 टाइम्स बड़े स्टार्स फटते हैं तब वो वाइट ड्वार्फ्स बनने के बजाय उससे भी साइज में छोटे सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स में तब्दील हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स का मास इतना ज्यादा होता है कि ग्रेविटी की वजह से उनका मैटर अपने अंदर ही कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। इससे वो स्टार्स कंप्रेस हो जाते हैं और उनकी साइज और छोटी हो जाती है। एंड सो अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये स्टार्स काफी तेजी से घूमने लगते हैं। ये वैसे ही है जब कोई बैले डांसर अपने हाथ अंदर खींचती है तब उसके घूमने की स्पीड बढ़ जाती है। और ऐसे रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स को एस्ट्रोनॉमर्स पल्सार्स कहते हैं और ये न्यूट्रॉन स्टार्स के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस होते हैं। और इसी डेंस एनवायरमेंट की वजह से पल्सार्स में मौजूद न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स में डीके हो जाते हैं और उसके सरफेस पर तेजी से घूमने लगते हैं। एंड नाउ फ्रेंड्स यू टेल मी एक सिंपल सा क्वेश्चन, मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या क्रिएट होता है? Yes, एक मैग्नेटिक फील्ड। एंड पल्सार्स में मौजूद पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होने की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आते ही उसके डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाते हैं और इस दौरान वो अपनी एनर्जी रेडियो वेव्स के रूप में स्टार से बाहर फेंकते हैं। बट पल्सार्स का मैग्नेटिक एक्सेस और उसका रोटेशन एक्सेस हमेशा सेम नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी के केस में इसकी मैग्नेटिक एक्सेस रोटेशन एक्सेस से 11.3 डिग्री के एंगल पर टिल्टेड है। और यही वजह है कि जब पल्सार्स अपने रोटेशनल एक्सिस पर गोल घूमते हैं तब उनके ये रेडिएशन एमिट करने वाले मैग्नेटिक एक्सिस के टिप्स पीरियोडिकली हमारे पृथ्वी के ओर पॉइंट करते हैं। यानी कि कह सकते हैं एक तरह से ये पल्सार्स ब्लिंक करते हैं, विच इज एग्जैक्टली लाइक आर स्ट्रेंज सिग्नल। सो अब क्या इसका मतलब? फाइनली ऑल डन, मिस्ट्री क्लोज्ड। वेल, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने पल्सार्स की स्टडी की तब उन्हें धीरे धीरे करके ये एहसास होने लगा कि शायद वो शुरुआत से ही गलत ट्रैक पर थे। क्योंकि यूजुअली पल्सार्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट उनके द्वारा एमिटेड सिग्नल्स कितने समय बाद रिपीट हो रहे हैं या सिंपली उनके पल्सेटिंग पीरियड को कैलकुलेट करते हैं ताकि पल्सार्स आगे कितने समय तक जिंदा रहेंगे ये प्रेडिक्ट कर सके। एंड सो रिसेंटली मिला रेडियो सिग्नल क्या वाकई में पल्सार्स की वजह से है ये जानने के लिए साइंटिस्टों ने अब तक मिले सभी पल्सार्स को उनके रोटेशन पीरियड के बेसिस पर इस ग्राफ में प्लॉट किया। अब नॉर्मल पल्सार्स का पल्सेशन पीरियड 0.25 से 2 सेकंड्स के बीच होता है और इसीलिए सभी पल्सार्स यहां पर इस रीजन में आते हैं। लेकिन कंटिन्यूअसली रोटेट करने की वजह से इवेंचुअली पल्सार्स अपनी एनर्जी लूज करना शुरू कर देते हैं और अब एनर्जी कम हुई तो ऑब्वियसली उसकी रोटेशन स्पीड भी कम होगी एंड अगर रोटेशन स्पीड कम हुई तो उसका पल्सेशन पीरियड बढ़ेगा और ऐसे में पल्सार्स यहां पर इस रीजन में मूव करेंगे जिसे एस्ट्रोनॉमर्स डेथ वैली कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, डेथ वैली तक आते आते पल्सार्स के लाइफ का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और बेसिकली इस रीजन के पल्सार्स का रोटेशन रेट इस हद तक स्लो हो जाता है कि वो मुश्किल से कुछ ही मात्रा में रेडियो वेव्स एमिट कर पाते हैं। एंड जब वो पल्सार्स इस डेथ लाइन को क्रॉस करते हैं उनका रोटेशन इस हद तक स्लो हो जाता है कि अब वो रेडियो वेव्स एमिट ही नहीं कर पाते। बट एस्ट्रोनॉमर्स को मिले सिग्नल को जब उन्होंने इस ग्राफ में प्लॉट किया तो देवर जस्ट बैफल्ड, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो ये सिग्नल डेथ लाइन के आगे होकर भी रेडियो वेव्स एमिट कर रहा था। इससे एक बात तो बिल्कुल पक्की थी
कि ये ऑब्जेक्ट डेफिनेटली एक पल्सार तो नहीं है। बट देन उन्हें स्ट्राइक हुआ कि पल्सार्स में भी एक स्पेशल कैटेगरी होती है, मैग्नेटार्स, यानी कि ऐसे स्टार्स जिनकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल पल्सार से 1000 गुना ज्यादा होती है। साथ ही वो पल्सार्स के कंपैरिजन में थोड़ा लॉन्गर पल्सेशन पीरियड भी दिखाते हैं, और इसीलिए साइंटिस्टों को लगा कि शायद इस किस्म के स्टार्स इस सिग्नल को एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट जब उन्होंने इस स्टार को इस ग्राफ में प्लॉट किया तो उन्होंने देखा कि ये भी उस सिग्नल के आसपास नहीं थे, क्योंकि मैग्नेटार्स हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से रेडियो वेव्स के साथ साथ एक्सरेज भी एमिट करते हैं, पर उन्हें मिला ये सिग्नल सिर्फ रेडियो वेव्स ही एमिट कर रहा था, और इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स को इसके मैग्नेटार होने की पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट करना पड़ गया। यानी कि ऑल इन ऑल साइंटिस्टों को मिला हुआ सिग्नल ना तो पल्सार था ना ही कोई मैग्नेटार, और इसका मतलब साफ था कि रिसेंटली मिला ये रेडियो सिग्नल एस्ट्रोनॉमर्स के लिए किसी भी नोन ऑब्जेक्ट के साथ मैच नहीं हो रहा था, और इसीलिए उनके मुताबिक ये सिग्नल अभी भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग मिस्ट्री है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तब हमें पता चला कि पल्सार्स और मैग्नेटार्स के अलावा स्टार्स की एक और एक स्पेशल कैटेगरी होती है कॉल्ड व्हाइट ड्वार्फ पल्सार्स, जो शायद पॉसिबली स्ट्रेन सिग्नल से मैच कर सकती है। दरअसल व्हाइट ड्वार्फ पल्सार्स ऐसे व्हाइट ड्वार्फ्स होते हैं जो पल्सार्स की तरह पल्सेट करते हैं। वैसे तो व्हाइट ड्वार्फ्स सन या उससे कम मास वाले किसी स्टार के फटने से बनते हैं, और यूजुअली इनकी मैग्नेटिक फील्ड पल्सार्स जितनी स्ट्रांग नहीं होती, और इसीलिए वो पल्सेट भी नहीं करते। लेकिन जब व्हाइट ड्वार्फ्स सन के कुछ 0.8 टाइम्स मैसिव हो जाते हैं तब वो इतने डेंस हो जाते हैं कि बिल्कुल पल्सार्स की तरह इनमें भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। बस सिर्फ फर्क इतना होता है कि जहां पर पल्सार में न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में डीके होते हैं, वहीं पर व्हाइट ड्वार्फ्स ओरिजिनली सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही बने होते हैं। सो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आते ही बिल्कुल पल्सार्स की तरह पीरियोडिक लाइट फ्लैशेस एमिट करते हैं। बस सिर्फ पल्सार्स के विपरीत उनका पल्सेटिंग पीरियड 100 से 1000 सेकेंड्स तक लंबा होता है। और अब अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली मिले सिग्नल का पीरियड है 22 मिनट्स, जिसे अगर मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं तो पीरियड आता है 1320 सेकेंड्स। यानी कि भले ही ये वैल्यू व्हाइट ड्वार्फ पल्सार्स की रेंज से बाहर है, लेकिन बाकी पल्सेटिंग स्टार्स के कंपैरिजन में ये इस सिग्नल का क्लोजेस्ट मैच है। और इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझे मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद ये मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल किसी व्हाइट ड्वार्फ पल्सार से आ रहा है। यानी कि इसी से आप बिल्कुल समझ सकते हो कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कितनी चीजें हैं जिन्हें आज भी हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, लाइक इवन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स फॉर एग्जांपल। आप सभी ये जानते हो कि एक छोटा व्हाइट ड्वार्फ फटने पर एक टाइप 1 सुपरनोवा होता है, एंड देन सूरज से 8 से 40 गुना भारी स्टार जब फटता है तब एक टाइप 2 सुपरनोवा होता है। लेकिन रिसेंटली साइंटिस्टों को एक ऐसा मिस्टीरियस सुपरनोवा एक्सप्लोजन मिला है कॉल्ड द स्कैरी बार्बी एक्सप्लोजन, जो पिछले 3 सालों से किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से भी 100 गुना ज्यादा एनर्जी बाहर फेंक रहा है, और इनमें से किसी भी टाइप में वो फिट नहीं बैठ रहा है। अब अगर आपको जानना है कि किस एक्सप्लोजन के बारे में मैं बात कर रहा हूं और क्यों इसका नाम स्कैरी बार्बी एक्सप्लोजन पड़ा, क्यों ये इतना खतरनाक है, तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और ये यूनिवर्स की एक मिस्ट्री भी है। और अगर आज के वीडियो में आपको मजा आया, कुछ नया सीखने मिला, तो एक लाइक जरूर ठोकना और गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल और ऑप्शन दबाओ ताकि आगे आने वाली कोई भी क्यूरियस वीडियो आप मिस ना करो और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।